एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, थोड़ा सा मतलब आज मूड ठीक नहीं है। वो इसलिए ठीक नहीं है कि आज मेरे साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ पेट्रोल पंप में। आज मैं निकली थी तीज का सामान लेने के लिए, लेकिन मेरे साथ कुछ और ही हादसा हो गया। तो वही हादसा बताने के लिए मैंने ये स्पेशल व्लॉग बनाया है, ये स्पेशल वीडियो बनाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और वो भी अवेयर हो सके कि उनके साथ भी ये इंसिडेंट हो सकता है। तो यू शुड बी वेरी अवेयर जब आप पेट्रोल पंप में जाते हैं ना, पेट्रोल भरवाने या डीजल भरवाने, तो प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये आपको कुछ भी धोखा दे सकते हैं। आज जो मेरे साथ हुआ वो तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। तो वही बताने के लिए मैंने आज ये अलग से एक व्लॉग बनाया है। तीज व्लॉग अलग होगा और ये व्लॉग मैंने स्पेशली आप लोगों को सचेत करने के लिए बनाया है। तो थोड़ा बहुत मैंने जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो वहां पर कवर किया मैंने पेट्रोल पंप में, तो वही आगे मैंने डाला है। तो सारा इंसिडेंट अब आपको आगे पता चलेगा। तो बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ, देखिए आज मेरे साथ क्या हुआ, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि ये सब उनके साथ भी हो सकता है और वो केयरफुल रहें। जब भी वो पेट्रोल पंप जाए वो केयरफुल रहें, क्योंकि ये इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकता है। और आपकी मतलब इतनी महंगी गाड़ी जो है वो एक मिनट में बर्बाद हो सकती है, खराब हो सकती है। तो देखिए आज मेरे साथ क्या हुआ। तो गाड़ी में डीजल फिल करवाने के लिए रुकी हूँ मैं। यहाँ बल्लूपुर वाले जियो पेट्रोल पंप पे आई थी बीपी वाले, और इन्होंने मेरी गाड़ी में डीजल की जगह पेट्रोल भर दिया है, और अभी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, कैसे कुछ नहीं होगा, तो लेट्स सी। अभी कह रहे हैं कि पूरा पेट्रोल टैंक जो है खाली कर देंगे। इस तरह की देखिए इनकी लापरवाही है, और ऊपर से मुझे कह रही है कि कुछ नहीं होगा, आप जाइए। ये सामने मेरी गाड़ी खड़ी है और उन्होंने डीजल की जगह पूरा पेट्रोल भर दिया है गाड़ी में। आज का मेरा पूरा दिन इन्होंने वेस्ट कर दिया। अभी कह रहे हैं कि पूरे 1.5 घंटे लगेंगे, आपकी वजह से ना मेरी ये पूरी गाड़ी खराब होगी। दो बार आपको बोला डीजल भरना है, फिर भी आप पेट्रोल भर रहे हैं। वो लड़की जिसने ये पूरा पेट्रोल भर दिया है मेरी गाड़ी में, और मुझे कह रही है कि आप गाड़ी लेकर जाइए। बोल रही है दो बार डीजल भरना है, फिर भी आप पेट्रोल भर रहे हो, और ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि गाड़ी लेकर जाओ, कुछ नहीं होगा। अभी ये लोग मेरी गाड़ी से पूरा डीजल जो है वो फ्लश आउट करवा रहे हैं। देखिए कितनी लापरवाही है। ये है वो पेट्रोल पंप बल्लूपुर वाला, पेट्रोल की जगह डीजल की जगह मेरी गाड़ी में पेट्रोल भर दिया पूरा, और ऊपर से जिसने भरा पेट्रोल वो मुझे कह रही है कि आप ले जाइए, कुछ नहीं होगा। मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? मैंने गाड़ी खड़ी की, मैं वहाँ पे जो मैनेजर है उससे मिलने गई, तब उसने बुलाया है इनको सारा डीजल फ्लश आउट कराने के लिए। इतनी लापरवाही है इनकी। देखिए गाड़ी अगर ख़राब हो जाए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मुझे कहती है आप जाइए, कुछ नहीं होगा। और वो ये बताया नहीं इसने मुझे कि इसने डीजल की जगह पेट्रोल भरा है। वो तो मैंने नोट किया क्योंकि मैंने 2000 का डीजल भरने के लिए बोला था, तो मैंने देखा कि उसमें 1800 का उसने बनाया है, तो मैंने कहा इसमें 1800 कैसे है, मैंने तो 2000 का बोला था। तो कहती नहीं सॉरी, गलती से ना 200 का पेट्रोल भर गया, तब मुझे बता रही है। अभी ये फ्लश आउट कर रहे हैं पूरा डीजल यहाँ से, मेरा भी टाइम बर्बाद और गाड़ी का भी पता नहीं क्या होगा। ये देखिए पूरी गाड़ी खोलकर उसमें से डीजल निकालना पड़ रहा है, और इतनी गर्मी हो रखी है यहाँ पे, मेरा भी टाइम बर्बाद पूरा किया इन्होंने आज। ये जो मैकेनिक इन्होंने बुलाया है ये बता रहे हैं कि 1 घंटा लगेगा पूरा ये डीजल फ्लश आउट करने में। देखिए मेरा पूरा टाइम आज इन्होंने बर्बाद कर दिया, ऊपर से इतनी गर्मी है यहाँ पे। और जिस लड़की ने गलती से वो पेट्रोल डाला था वो मान ही नहीं रही अपनी गलती, वो कह रही है कि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी ऐसी हो गया, और उसने मुझे बताया भी नहीं कि पेट्रोल की जगह डीजल की जगह उसने पेट्रोल भर दिया है। जब मैंने पूछा तब बता रही है वो। तो ये देखिए ये निकाल रहे हैं पूरा डीजल जो है, डीजल और पेट्रोल जो मिक्स करके डाल दिया था उस लड़की ने, वो सर पूरा फ्लश आउट कर रहा है। इतना मूड खराब हो गया ना सुबह सुबह। और सबसे बुरी बात ये है कि वो लड़की अपनी गलती भी नहीं मान रही है, ना सॉरी बोल रही है ना अपनी गलती मान रही है। फाइनली सारा फ्लश आउट कर दिया है जो भी डीजल और पेट्रोल मिक्स हो गया था, अभी दोबारा से भरवाना पड़ेगा। ये देखिए भैया ने पूरा क्लीन कर दिया है, पूरा टैंकी जो है साफ कर दिया है। अब बताइए इनकी लापरवाही की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ, टाइम का भी और यहाँ इसके, और मुझे बताया भी नहीं। अगर मैं चली जाती बिना पूछे तो रास्ते में गाड़ी कहीं सीज हो जाती, एंड शी इज़ नॉट इवन फीलिंग सॉरी अबाउट इट, दैट्स द वर्स्ट पार्ट। मैंने पूछा तब वो मुझे बता रही है कि सॉरी शुरू में 200 रुपये का पेट्रोल डल गया था, इसलिए अभी डीजल डाल रही हूँ। तो पूरे 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए, 2 घंटे में जाकर ये पूरा जो डीजल और पेट्रोल जो मिक्स हो गया था वो फ्लश आउट हुआ है। अभी बंद कर रहे हैं गाड़ी को, उसके बाद डीजल भरवाऊंगी।
तो ये लोग गाड़ी को पुश करके ला रहे हैं यहाँ डीजल भरवाने के लिए। और देखिए मैंने जैसे ही कैमरा इधर किया, लड़की पीछे की तरफ चली गई है। देख लिया मैंने, गलती बताया क्या भैया आप लोग? उसने बताया नहीं मुझे, बताना तो चाहिए ना। अगर रास्ते में कहीं गाड़ी खराब होती तब कौन रिस्पॉन्सिबल होता? आप उन्होंने आपसे आगे पूछा कि आपने पूछा ना? नहीं मैंने पूछा कि ये 1800 का कैसे बना? 1800 कैसे? हाँ तो खुद आपके पास आ गया, बोला था कि मैम डीजल में पेट्रोल। वो जब मैंने पूछा तब बोला ना उसने, मैं तो लेकर चली जाती तब क्या होता। तो फाइनली डीजल भर दिया है, अभी वो लोग रीस्टार्ट करके देख रहे हैं, चला के देख रहे हैं अभी कि इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आज तो मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया, इतना बुरा लग रहा है ना मुझे। उस पेट्रोल पंप वाली लड़की की लापरवाही की वजह से मेरे 2 घंटे आज बर्बाद हुए हैं, वो भी इतनी गर्मी में। मुझे कहती है कि मैंने तो आपको बता दिया था कि मैंने गलती से पेट्रोल भर दिया है। ऐसा कैसे? अगर आपने, आपको पता चल गया था कि आपने पेट्रोल भर दिया, अगर आपके मन में चोर नहीं था तो आपने उसके बाद डीजल क्यों भरा उसमें? जब मैंने देखा कि बिल जो है 1800 दिखा रहा है, तो मैंने उससे बोला कि 1800 कैसे दिखा रहा है, मैंने तो आपको 2000 का डीजल भरने के लिए बोला था। तब मुझे कहती है कि गलती से ना शुरू में 200 का पेट्रोल भर गया था तो इसलिए। और फिर मुझे कहती है ले जाइए, इतने से पेट्रोल से कुछ नहीं होगा, गाड़ी खराब नहीं होगी। मुझे बिल्कुल समझा है क्या? और फिर उसके बाद मुझसे बहस भी कर रही है कि नहीं मैंने तो आपको बता दिया था। अरे बता दिया था तो फिर पेट्रोल कैसे भरा? पेट्रोल के बाद आपने डीजल कैसे भरना शुरू कर दिया? चोर था ना आपके मन में, तभी भरा ना आपने। अगर मैं नहीं पूछती तो वो मुझे बताती भी नहीं। वो तो मैं अड़ गई कि नहीं जब तक आप ये पूरा क्लियर नहीं कर दोगे मेरी टैंकी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब जाके उन्होंने पूरा उसको फ्लश आउट करवाया और उसको ठीक करवाया। तो प्लीज बी केयरफुल, अगर आप कभी पेट्रोल पंप में जाते हैं तो देखिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं लोगों का। एनीवेज मैं गड़ी बाजार पहुंच चुकी हूँ, अभी तो बिल्कुल ऐसे मूड ऑफ हो चुका है, लेकिन फिर भी देखती हूँ, आ ही गई हूँ इतना दूर तो करती हूँ कुछ। चलिए बने रहिएगा मेरे। तो चलिए मैंने चेंज वगैरह कर लिया है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ, आज बहुत टेंशन भरा दिन था। तो एनीवेज मैं अब आपको डिटेल में बताती हूँ कि आज पेट्रोल पंप में मेरे साथ क्या हुआ। आज मुझे तीज की पूजा का सामान लेने जाना था क्योंकि कल तीज है। तो यहाँ पे पास ही में गड़ी डाकरा का बाजार है जहाँ पे कि तीज का सारा सामान बहुत ही आसानी से मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे गोरखाली रहते हैं। तो मैंने किरण की बहन के साथ प्लानिंग किया था कि हम दोनों साथ जाएंगे। तो मैं 11 बजे के करीब घर से निकली और मैंने देखा कि गाड़ी में जो डीजल है वो काफी कम था, 2 लाइन्स दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए भरवा लेते हैं। तो बल्लूपुर जैसे ही क्रॉस करो तो लेफ्ट साइड में ये पेट्रोल पंप आता है, तो मैं वहां भरवाने के लिए गई। तो वहां पे ये लड़की थी जो पेट्रोल और डीजल फिल कर रही थी, तो मैंने उससे बोला कि 2000 रुपए का डीजल भर दीजिए। तो उसने मुझसे पूछा कि मैम डीजल भरना है? मैंने कहा, तो ये बात 2 बार हुई, ठीक है। पहले मैंने उसे बोला कि डीजल भर दीजिए, फिर उसने मुझसे पूछा कि मैम डीजल भरना है? मैंने कहा। तो उसने कहा आप 0 चेक कर लीजिए। तो मैंने 0 चेक कर लिया। तो उसके बाद फिर मैं कार्ड निकालने लगी अपना पेमेंट करने के लिए। तो जब मैं कार्ड निकाल रही थी, इस लड़की ने क्या किया, इसको रियलाइज नहीं हुआ, इसने पेट्रोल वाला नोजल डाल दिया और पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको रियलाइज हुआ कि इसने गलती से पेट्रोल वाला नोजल डाल दिया और पेट्रोल भर दिया मेरी गाड़ी में। इसने मुझे बिना बताए पेट्रोल वाला पाइप निकाला और डीजल वाला पाइप डाला और डीजल भरना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे कहती है कि मैडम आपका हो गया, पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने ऐसे देखा, तो जहां पे वो टोटल पेट्रोल भरा हुआ लिखा आता है ना, टोटल पेट्रोल या डीजल जो भी भरा हुआ होता है और ऊपर टोटल अमाउंट भी आता है, तो मैंने जब ऐसे देखा तो उसमें 1800 लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि मैंने तो आपको 2000 का भरने के लिए बोला था, ये तो 1800 दिखा रहा है। वो तब मुझे कहती है, ठीक है, जब मैंने उससे ये क्वेश्चन किया उसके बाद वो मुझे कहती है कि शुरू में ना 200 रुपए का पेट्रोल भर गया था गलती से, उसके बाद से लेकिन मैंने डीजल डाला है, पूरा डीजल डाला है। तो मैंने कहा अच्छा, आप डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाल रही हैं और अब आप मुझे बता रही हैं कि आपने इसमें पेट्रोल डाला है? तो कहती है वो थोड़ा सा ही था, कुछ नहीं होगा, आपकी गाड़ी को खराब नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ये आप मुझे बताओगी कि अगर डीजल वाली गाड़ी में आप थोड़ा सा भी पेट्रोल डाल देते हैं तो इंजन सीज हो जाता है? तो वो मुझे कहती है अगर कुछ हुआ आपकी गाड़ी को तो आप वापस ले आइएगा। मैंने कहा अच्छा, अगर रास्ते में मेरी गाड़ी मान लो रुक गई है, मैं उसे कैसे वापस लाऊंगी? तो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मुझे उसकी इस बात पर इतना गुस्सा आया। देखिए इंसान से ही गलती होती है, लेकिन जब कोई इंसान अपनी गलती ना माने ना तब गुस्सा आता है। तो मुझे उसकी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा एक तो आप गलती कर रही हो, ठीक है, पहले तो आपने मुझे बताया नहीं कि आपने पेट्रोल भर दिया है, पेट्रोल भरने के बाद फिर आपने चुपचाप से डीजल भर दिया उसके ऊपर, और अब आप मुझसे बहस कर रही हो कि आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, आप ले जाइए, अगर खराब हो गया तो वापस ले आना। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने थोड़ी सी गाड़ी स्टार्ट की क्योंकि मैं ज्यादा नहीं चलाना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं पेट्रोल अगर चला गया इंजन में तो इंजन सीज हो जाएगा।
एनीवेज थोड़ी सी गाड़ी चलाकर मैंने थोड़ा सा आगे किया ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो, और मैंने वहीं गाड़ी पार्क कर दी और मैं सीधा मैनेजर के कैबिन में गई। तो मैनेजर एनीवेज वाज अ नाइस पर्सन, तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और उन्होंने उस लड़की को बुलाया। अच्छा, मैनेजर के सामने ना बिल्कुल मुकर गई, कहती नहीं मैंने तो मैडम को बताया था कि इसमें गलती से पेट्रोल चला गया। मैंने कहा अच्छा, अगर आपने मुझे बताया होता कि उसमें पेट्रोल चला गया है तो मैं क्या उसको उसके ऊपर से आपको डीजल भरने देती? मतलब उसको शायद ये लगा होगा कि अगर मैं अपनी गलती मान लूंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी या मेरा जो भी व्हाटएवर द रीजन में भी, बट वो बिल्कुल झूठ बोल गई, उसके सामने बिल्कुल मुकर गई। तो मैंने फिर मैनेजर को बोला कि अगर आप मेरी गाड़ी को ठीक नहीं करवाते हैं, अगर इसमें से पूरा ये डीजल बाहर नहीं निकलवाते, इसको क्लीन करवा के दोबारा से डीजल नहीं भरकर देते हैं मुझे, तो मैं पूरा ऊपर तक शिकायत करूंगी। एनीवेज द मैनेजर वाज ओके, तो फिर उन्होंने किसी मैकेनिक को बुलाकर पूरा उसकी टंकी क्लीन करवाई, उसको पूरा ड्रेन आउट करवाया डीजल, और फिर उसमें मुझे डीजल भर के दिया। मगर मुझे गुस्सा इस बात का आया कि वो लड़की बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी गलती थी। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मेरे पूरे 2.5 घंटे वेस्ट हुए आज वहां पे। 11 बजे मैं उस पेट्रोल पंप पे पहुंची थी और मैं करीब 1:30 या 2:15 बजे वहां से निकली, और इतनी कड़ी धूप थी, इतनी तेज धूप थी, वहां बाहर खड़े होकर मैं अपने वो कार में से वो जो डीजल है वो ड्रेन आउट होते हुए देख रही थी खड़े होकर। छोड़कर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि फिर उसमें भी घपला करेंगे, कहेंगे कि नहीं मैडम आपका तो इतना ही लीटर था आपकी गाड़ी में। आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि जितना लीटर उस गाड़ी में था डीजल या पेट्रोल जो मिक्स हो गया था उतना ही वो मुझे वापस भरकर दें, क्योंकि जब मैंने उसे भरवाया है 2000 का, उससे पहले भी मेरी गाड़ी में डीजल था। तो इसलिए मैं वहां पे खड़ी रही है देखने के लिए कि टोटल कितना डीजल इस गाड़ी में से निकला है। पूरे 2.5 घंटे मैं इतनी कड़ी धूप में खड़ी रही वहां पे, ठीक है, और इतना करके वो पाइप से निकलता है डीजल जो ड्रेन करते हैं, तो उसमें काफी टाइम लग गया। एनीवेज उसने कर दिया क्लीन, वो सब कुछ हो गया, उसने डीजल भी मुझे भरकर दे दिया। लेकिन जाते वक्त मैंने उसे जब बोला ना कि आप प्लीज आप किसी और के साथ ऐसा मत करना, तो फिर भी कहती है मैडम आप तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, गलती तो मेरी थी नहीं, तब भी मुझे बोल रही है। इमेजिन, कैन यू इमेजिन दैट? इतना गुस्सा आया ना मुझे इस बात का। एनीवेज फिर मैंने ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा, मैंने उसे बोला ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो गॉड ब्लेस यू, ये बोल के मैं आगे निकल गई। तो आज ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। तो आज का ये जो इंसिडेंट हुआ इसका मैं अलग, ये जो वीडियो बनाया है मैंने, जो भी वीडियो बनाया है थोड़ा बहुत मैंने वहां पे कवर किया, उसको मैं अलग रख रही हूँ, अलग व्लॉग बना रही हूँ उसका। और जो मैंने 30 की शॉपिंग की है उसकी वीडियो को मैं अलग रख रही हूँ, दोनों को मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो आज इंसिडेंट हुआ ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि हम जब भी पेट्रोल पंप जाए वी शुड मेक श्योर कि ये क्या ठीक डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, वी शुड बी अवेयर। क्योंकि ये क्या होता है कि अपनी गलती छुपा जाते हैं और बाद में फिर आप ही के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं। अगर आज मैंने उसको नहीं पकड़ा होता, अगर मैंने वो ध्यान नहीं दिया होता, तो वो तो साफ मुकर जाती है और मुझे बताती भी नहीं, वो मुझे बताती भी नहीं कि उसने इसमें पेट्रोल डाल दिया है। मैं तो चुपचाप गाड़ी लेकर चली जाती और फिर मेरी गाड़ी बाद में खराब हो जाती। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके कि क्या गलतियां, क्या घपले उनके साथ हो सकते हैं पेट्रोल पंप्स में। तो बस आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये इंसिडेंट सबके पास पहुंचे ताकि किसी और के साथ ये गलती ना हो। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।